बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि डायमेंशन फार्मूला और बेसिक यूनिट जिसको हम प्रिंसिपल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, इस तरीके इन सब के बारे में हमने जाना था। तो डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखा जाता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात आपको यह समझनी है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उनका रिलेशन किस तरीके का है, उसके बेसिस आप अगर वो डायमेंशन फार्मूला लिख लोगे। जैसे हमें कुछ दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो जैसे पावर है, पावर या सामर्थ्य बोलते हैं इसको, तो पावर क्या होता है, पी इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, कार्य। तो जैसा कि कार्य का अगर हम बात करें तो कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या होता है कि अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर यूनिट क्या करवा आप रख दूँ। ठीक है, इसका हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो डायमेंशन फार्मूला आपको इनका इनका रखना पड़ेगा, तब जाकर इसका निकलेगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका होता है तो मास से एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा, और इंटू एल। ठीक है, इसका नीचे क्या हो जाएगा, टी। और सॉल्व करोगे आप तो जाएगा एम एल, ये एल एल यहाँ पावर वन आने थोड़ी देर जुड़ जाएगी। ठीक, और ये पावर वन है तो उधर जाएगा, तो माइनस माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा आपका, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर। तो फार्मूला इसको कैसे लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये हो गया डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात है, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी की बात कर रहा है। तो कैपिटल जी का फार्मूला कैसे निकलेगा, ठीक है, तो आपको पता है क्या रिलेशन होता है, तो एफ इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इसका निकालना है तो इसको इक्वल करोगे तो जी इक्वल्स टू हो जाएगा एफ इन टू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एफ का रखोगे टी माइनस टू, इसका हो गया, इसका एल स्क्वायर हो गया, इसको रखोगे मास सेम है एम स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन हो जाएगा एल क्यू टी। बोलो अभी बात समझ में, तो जी जी निकालने के लिए हमें क्या होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पर एफ की रख दो डायमेंशन फार्मूला, आर का डायमेंशन फार्मूला और एम का, तो ये सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, जी की होगी, किसकी बोला जी की वैल्यू, जी का डायमेंशन फार्मूला हो गया। डायमेंशन फार्मूला इसका क्या हो गया, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ये डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। मोमेंटम क्या होता है, पी से लिखते हैं इसको, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी करना है, बहुत सिंपल है। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या होता है, एम वेलोसिटी एल मीटर पर सेकेंड, सिंपल ये हो जाएगा। बोलो एम एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, इसकी यूनिट याद रखिएगा, इसकी यूनिट याद आएगा कि जूल सेकेंड होता है, इसकी यूनिट जो होती है जूल सेकेंड। अब जूल की यूनिट होती है जो डायमेंशन फार्मूला, जूल मतलब एनर्जी, तो उसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू इंटू सेकेंड करोगे तो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये हो जाएगा फार्मूला किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। ठीक है, एम एल टू टी माइनस वन, ये डायमेंशन फार्मूला किसका हो गया, प्लैंक कांस्टेंट। इस तरीके से हम सारे अभी फिजिक्स में बहुत सारे अभी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फार्मूला देखने वाले हैं, तो उनका डायमेंशन फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर यदि रिलेशन आपको याद है, सूत्र याद है, फार्मूला याद है, तो आप इजीली क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला उसका निकाल लेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं डायमेंशन फार्मूला को लेकर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है या होता ही नहीं। तो जैसे क्या है, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला जीरो होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स इनका क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये क्या होगा, पूरा जीरो होगा इस तरीके से। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते होंगे
कि ये क्या होता है कि वेलोसिटी का रेशियो होता है, वेलोसिटी का रेशियो होता है इन वैक्यूम अपॉन इन मीडियम, ठीक है। तो क्या होगा कि वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी का क्या होगा, अगर उसका डायमेंशन लिखो तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ये फाइनली। उसके बाद क्या होगा, लॉग हो, लॉग हो कोई या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, साइन हो गया, टेन हो गया या कॉस हो गया, इन सब का क्या होता है डायमेंशन जीरो होता है, लॉग का भी जीरो होगा, ठीक है। जैसे सॉलिड एंगल, कुछ एंगल होते हैं जैसे सॉलिड एंगल हो गया या कोई एंगल जैसे हो गया, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, थीटा, उसका डायमेंशन फार्मूला एम ए जीरो होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जीरो, लॉग का जीरो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा कॉस थीटा ये सब होता है, और सॉलिड एंगल या एंगल जो होते हैं उनका भी डायमेंशन फार्मूला जीरो होता है। तो ये बात आप रखिएगा, इनका डायमेंशन फार्मूला जीरो होता है। अब हम पढ़ते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जैसे मैं अगर आपको बात करूँ, वी क्वेश्चन होता है यू प्लस ई टी, तो यहाँ पर क्या है कि ये गति का पहला समीकरण है, v इक्वल टू u प्लस at, तो कहने का मतलब ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग है, सॉरी एल टी माइनस वन, इसका भी क्या है एल टी माइनस वन, इसका मतलब इनका भी होना चाहिए, ठीक है। तो किस इसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कोई इक्वेशन विधि रहेगी तो उसमें जो भी चीज़ें हैं उनका क्या होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन है वो फाइनल पूरी की पूरी की क्या होना चाहिए, उसका डायमेंशन फार्मूला सेम आना चाहिए। तो इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस या विमाओं का संघातता सिद्धांत। क्या कहता है कि कोई भी चीज़ें जुड़ती या घटती तभी है जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। कभी ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में घटा दिया जाए, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि वेलोसिटी है उसको साथ ये कर दो, ये कभी नहीं हो सकता। फोर्स को कभी मास के साथ नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि फोर्स का अलग डायमेंशन है, इसका अलग डायमेंशन है। कोई भी चीज़ घटती है जुड़ती है जो भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए, ये कौन कहता है, विमाओं का संघातता सिद्धांत बोलता है ये, समझ गए बात। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशन। डायमेंशंस में क्या है कि इस तरीके का हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यदि बात करें डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस मतलब कोई भी जो इक्वेशन दे रखी है उसका एनालिसिस हमें करना है कि डायमेंशनिटी करेक्ट है या नहीं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत एक आता है जिसका नाम है, क्या है वो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, या उसी को बोलते हैं विमाओं का संघातता सिद्धांत। इसका कहने का ये क्या कहता, क्या ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़, जब दो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी को एडअप या क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन तभी करते हैं जब उनका क्या होता है कि बीमी सूत्र डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, ठीक है। तो अगर हमें दो क्वांटिटी को क्या करना है सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है तो उनके फिजिकल, उनका डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी का हम क्या करते हैं डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं अगर किसी के साथ वो ऐड है जिसका हमें डायमेंशन फार्मूला पता है। जैसे मैं बात अगर आपसे करूँ कि जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी प्लस एक्स कर दूँ, या कोई क्वांटिटी मान लीजिए आपको ए कर दूँ, ठीक है। अब आपसे पूछूँ कि बताओ इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो जब इसका पता है ये क्या है, वेलोसिटी है वेग, और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है एल टी माइनस वन, और यदि ये इसके साथ जुड़ा हुआ इसका मतलब भी सम जाता है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता होगा, मतलब इसका डायमेंशन भी फार्मूला वही होगा जो इसका होगा, तो इसका क्या है एल टी माइनस वन, इसका भी होगा, समझ गए क्या। तो इस तरह बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जैसे कोई क्या होगा ए प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, ये डायमेंशन फार्मूला। अब हमें क्या करना है, ये प्रेशर ये वॉल्यूम है, इसका डायमेंशन फार्मूला बताना क्या होगा, तो इसका डायमेंशन फार्मूला बताना, जिसका मतलब कि इसका डायमेंशन फार्मूला जो है वो इस पूरे डायमेंशन फार्मूला के बराबर होगा, तभी तो ऐड हो रहा है। तो एक आसानी से अब निकाल लोग, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर का हो गया फार्मूला। अब ये बराबर इसके फार्मूले का होगा, तो हमें ए का डायमेंशन निकालना है अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है एल क्यूब और स्क्वायर
बोलो ये हो जाएगा क्या, क्योंकि ए वॉल्यूम का एल क्यूब होगा तो उसका स्क्वायर करोगे तो एल सिक्स हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू और हो जाएगा एल सिक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो एम एल फाइव टी माइनस टू, ये डायमेंशन फार्मूला ए का पता चल गया कि नहीं चल गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं इसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर। दूसरी बात है और कुछ क्या होते हैं कि जैसे कोई फार्मूला हमें दिया हुआ है तो करेक्ट है या नहीं है तो एनालिसिस उसमें करते हैं। जैसे हाफ वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर है तो अगर इसका हम करेक्ट करें कि ये इक्वेशन जो दी गई है, इक्वेशन जो दी गई डायमेंशन करेक्ट है या नहीं, तो इक्वेशन ये संभव है कि नहीं, अगर इक्वेशन है इक्वेशन अगर इसकी क्वेश्चन ये लिख रहा है इसका क्या मतलब, इसका मतलब इधर का डायमेंशन राइट साइड का डायमेंशन और लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या होगा करेक्ट मानी जाएगी। इसका मतलब इधर का डायमेंशन क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी का मतलब एम एल टू टी माइनस टू आ रहा होगा, इसका भी इतना आना चाहिए बोलो, तभी तक दूसरे का करेक्ट होगा ये, तो इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा एम मास के लिए, और ये जी, जी क्या ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सॉरी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू और जी का ये एच क्या, एच हाइट, हाइट मीटर मिल जाएगी तो इसको एल कर दोगे तो हो जाएगी एफ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, समझ गए क्या। तो दोनों तरफ क्या है सेम है या नहीं है, सेम होना चाहिए ठीक है। तो अगर कोई भी इक्वेशन है जल्दी अगर वो एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब उनका राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन है वो बराबर होना चाहिए ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। जैसे एक और इक्वेशन आप जानते हो, जैसे एस इक्वेशन होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर यह क्या हो रहा है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फार्मूला है, इसका मतलब इधर पूरा का टोप इधर भी डिस्टेंस का फार्मूला आना चाहिए। तो यह देखो क्या है यू टी, इसका होगा एल टी माइनस वन इंटू टी, ये से कैंसिल हो जाएगा तो क्या एल बचा नहीं बचा, इधर देख लो एक्सेलेशन इंटू टी स्क्वायर है, एक्सेलेशन क्या होगा एल टी माइनस टू, ऐसा करोगे टी टू तो हो जाएगा बचेगा क्या एल बोलो, इसका मतलब ये डायमेंशन भी क्या है दोनों तरफ का, इसका मतलब इक्वेशन क्या है सही है ठीक है। तो इस फार्मूले डायमेंशन एनालिसिस हम क्या कर पाते हैं कि बता पाते हैं कि वो डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है ठीक है कोई भी इक्वेशन। तो ये हो गया विमाओं का संभाव्यता सिद्धांत, वो यही कहता है कि अगर कोई भी क्वान्टिटी कोई भी फिजिकल क्वान्टिटी तभी ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी जब तक उसका डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं होगा, या डायमेंशन फार्मूला सेम होता है उन्हीं क्वांटिटी को हम ऐड या एडअप या सब्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कौन सी है, बेसिस ऑफ द डायमेंशन आर्गूमेंट, डायमेंशन आर्गूमेंट आपको देना है इस पे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सही मतलब कि आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का दोनों का डायमेंशन चेक करना है, यदि इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा दैट टाइप ऑफ या दैट इक्वेशन विल बी करेक्ट ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं के, के इज अ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जो के दे रखा है बच्चों गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी की कोई भी अगर मैंने बोला था कोई भी एनर्जी उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो इसके लिए जरूरी बात ये है कि इस साइड भी यही डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए बोलो। अगर आप यहाँ इसको करेक्ट करोगे तो देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको देख लो एम स्क्वायर है तो एम कैपिटल एम स्क्वायर और वी स्क्वायर है वी, वी मतलब वेलोसिटी तो एल माइनस एल टी माइनस वन का स्क्वायर तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू ये हो जाएगा। जैसा कि आप यहीं पहले ही करेक्ट कर देख सकते हो यहीं पे डिफॉल्ट, क्यों क्योंकि यहाँ पर एम होता है काइनेटिक या एनर्जी में यहाँ पर एम स्क्वायर आ रहा है इसलिए ये क्या है गलत है तो ये सही नहीं है। इसकी हम बात करें तो यहाँ पर डिफिनेशन ये तो जैसे आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम स्क्वायर होता है तो इसका क्या होता है एम एल टी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो इधर भी देख लो होना चाहिए नहीं तो सही होगा ही नहीं, फिर भी आप इक्वेशन जानते हो सही है तो सही होगा ही, चलो फिर भी चेक कर लेता हूँ एम
मास के लिए m हो गया, l के लिए हो जाएगा v के लिए हो जाएगा l t माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए l और सेकंड के लिए t, पर है मतलब नीचे आ रहा था इसलिए माइनस वन आ गया, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व करोगे तो l सॉरी m l स्क्वायर t माइनस टू, मतलब कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या डायमेंशन करेक्ट है, सेम है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ये क्या है सही है, तो ये क्या है ये गलत है ये सही है। दूसरा इसकी बात हम बात करें, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी जैसा कि इसका डायमेंशन फार्मूला ये लिंग m into a, ये तो क्या है अगर m into a का चेक करोगे तो m m के लिए क्या होगा मास के लिए m हो जाएगा a एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो मीटर पर सेकंड मतलब ये लगाओगे और यहाँ पर क्या है देख रहे हो दोनों कंपेयर करो इक्वेशन रॉन्ग है डायमेंशन क्या है कंपेयर करो तो यहाँ पर m l t माइनस टू आ रहा है यहाँ पर l स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। इसकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ यही थी यही चीज़ ये भी है तो इसका मतलब ये सही हो सकता है तो कन्फ्यूजन हमें ए बी और डी होगा ठीक है। इसकी हम बात कर लें ज़्यादा तो अभी इसको छोड़ दो ये सही है क्योंकि एम वी स्क्वायर एम बी स्क्वायर है लेकिन फिर भी देखते हैं अभी अगर हम इसकी बात करें हाफ एम वी स्क्वायर बिल्कुल सही है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब जो इसके साथ जोड़ना चाहिए उसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक्सप्लेन करता है लेकिन एम में क्या आया था एम एल टी माइनस टू ये फोर्स के बराबर होता है तो ये भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। अब आगे बात बी और डी में क्योंकि बी और डी का दोनों तरह डायमेंशन सेम आ रहा है लेकिन अगर हम बात करें तो हाफ आता है थ्री बाई सिक्सटीन नहीं आता तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होने की जरूरत है डिफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिफिनेशन अगर पता है अच्छे से आपको आगे चलकर पता चलेगा तो वो वन बाई टू के टर्म में लिखा जाता है ना कि थ्री बाई सिक्सटीन के टर्म में लिखा जाता है तो ये क्वेश्चन हो गया तो आप बता सकते हो ये क्वेश्चन सही है या नहीं है दोनों तरफ का डायमेंशन चेक करके बोलो बता लोगे ना। अब हमारे पास और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम क्या करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि एक पिंड है उसको एक थ्रेड से लटकाया हुआ है धागे से लटकाया हुआ है जो पिंड है तो मास तो होगा लटकाया हुआ तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो लगनी वाली है इसकी लेंथ होगी इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। कहा ही गया है इस क्वेश्चन में कि इसका टाइम ऑफ पीरियड का किस तरीके से एल एम और के जी पर डिपेंड करेगा किस तरीके से निर्भर करेगा मतलब जब आप इसको क्या करते हो हल्का सा घुमा देते हो हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हो तो ये क्या करेगा घूमने लगेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइम ऑफ पीरियड का कॉन्सेप्ट हम लगाने लगते हैं या बोलने लगते हैं कि कितने टाइम एक चक्कर ये कंप्लीट करेगा ऐसे ऐसे ठीक है तो कितने समय में करेगा तो उसके लिए क्या होता है कि अलग अलग के लिए मास और इसका जो मास है इसका जो लेंथ है वो भी निर्भर करेगा तो कैसे निर्भर करता है जो सूत्र है वो सूत्र निकालोगे कैसे मतलब ड्राइव कैसे करोगे तो मान लेते हैं इसका टी जो डिपेंड कर रहा है एल पे एस एल एम जी ठीक है इस तरीके से क्योंकि सूत्र ड्राइव करने का जो कोई सूत्र बनता है तो ऐसे बनता है और इसका हमें फार्मूला तो पावर तो पता नहीं कि स्क्वायर आएगा थ्री आएगा कि नीचे आएगा ऊपर आएगा कहाँ कुछ पता ही नहीं तो मान लो पावर इसकी ए इसकी पावर मान लो बी इसकी मान लो सी जब ये यूनिवर्सली ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनुक्रमानुपाती जब इसको हटाओगे तो कॉन्स्टेंट लेके आओगे तो कॉन्स्टेंट मान लेते हैं कि अपने आप से मान लो एम बी और जी की पावर सी ठीक है यहाँ पे ये डायमेंशन लेस है तो इसका कोई मतलब नहीं तो आप इस ये क्या टाइम पीरियड है तो ये होगा आपका टी में सिर्फ क्या होगा टी में क्योंकि मीटर मीटर मतलब सेकंड है सेकंड को टी से लिखते हैं तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल जीरो सॉरी एम जीरो एल जीरो टी वन होगा ये भी लिख ही सकते हो ना इसको क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं लेकिन इसकी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है प्रीवियस लेक्चर में बता रखा था। अब एल क्या हो सकता है एल ये मीटर है तो इसका होगा एल कैपिटल एल ए और एम जो होगा इसका नोटेशन क्या हो जाएगा कैपिटल एम बी और जी क्या है त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो एल हो जाएगा टी माइनस टू और इसकी पावर हो जाएगी सी ठीक है और इसको कैसे लिख सकते हो एल की पावर ए एम की पावर बी इसको लिख सकते हो एल सी टी माइनस टू सी ये लिख सकते हो क्या ठीक है ये लिखा जा सकता है। अब इस एल को जोड़ दो
एल एल का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एल एल सेम है तो घाते जुड़ जाती है गुड़े में, तो एल हो जाएगा, इसको पहले ऐसे लिख लो, एम लिख लो, एम बी एल ए प्लस सी टी माइनस टू सी, और इधर हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। अब क्या करो, दोनों तरफ दाया पक्ष और बाया पक्ष को कंपेयर कर दो, इधर एम है इधर एम है, इसकी पावर जीरो इसकी पावर बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बोलो, क्योंकि ये सेम है तो पावर भी बराबर होनी चाहिए। अब देखो एल का जीरो है तो ए प्लस सी क्या होगा, जीरो होगा, उसके बाद सॉरी माइनस में होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू सी बराबर क्या होगा, एक के, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इसको भी उठा के कहाँ लाते रहते हो, यहाँ पर रखोगे तो ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ए सी की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, जीरो एक वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ मिलेगी क्या, बोलो, ये मिल जाए। अब उठा के आप इस पूरे की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर ए बी सी इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, पुट करोगे तो टी के और एल की वैल्यू हमें क्या मिली है, एल मतलब एल की पावर ए जो है क्या मिला, हाफ मिला है, ठीक है, और एम का पावर जीरो, ठीक है, और जी का क्या मिला है, सी तो माइनस, ठीक है, तो इसको सही से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के ये तो रहने दो, और ये किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है, तो ये एल हाफ, एल की पावर हाफ और जी की पावर माइनस, तो नीचे लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, और एक तरीके से रूट में आना, अगर देखो आप तो के स्क्वायर रूट एल बाई जी, ये एक्सप्रेशन इसका है, तो सिंपल सा फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर देखोगे तो टी क्वेश्चन बन जाएगा के और एल अपॉन जी, ये इसका एक रिलेशन हो जाएगा, याद रखिएगा ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको शायद सारी चीज़ें समझ में आई होगी, अगर यदि नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चीज़ें क्या है कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इजी वे में पढ़ा सकूँ, ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आती किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ कमेंट करेंगे, जैसे समय मिलेगा मैं क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा या वीडियो बना के डालूँगा, ठीक है। इस पर और सारे न्यूमेरिकल हमें करने, तो एनसीईआरटी के जो सेकंड चैप्टर है जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट है, आप उसके पीछे जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।